हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे स्टूडेंट, इस वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉलीनोमियल्स। इसका एक्सरसाइज जो 2.1 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपको मैं बता दूँ। इस साल जो हमारा 2023 एंड 2024 हमारा जो सेशन चल रहा है, इसमें कौन से पार्ट डिलीट किए गए हैं और कौन से आने वाले हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा है जरूरी जानना। तो देखो, सबसे पहले इतने सारे पार्ट हुआ करते थे पहले, जिसमें डिवीजन एल्गोरिदम बहुत ही लंबा पार्ट हुआ करता था, डिवाइड करना बच्चों को सीखना पड़ता था, ये अपने क्लास 8 में वैसे सीख लगा है पहले ही, लेकिन ये इस बार कट हो चुका है, ठीक है। और ये जो डिवीजन एल्गोरिदम है ना, ये आपको एक्सरसाइज 2.3 में दिया हुआ है बुक के अंदर। तो आपको दो चीज़ें करनी है इस बार, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ये करना है, जो कि आपको 2.1 भी मैं करवाने वाला हूँ, और दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपको एक्सरसाइज 2.2 में दिया हुआ है अंदर में। तो ये दो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, बाकी 2.3 और एक्सरसाइज 2.4 है जो है वो रिड्यूस हो गया है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे अगर किसी बुक में आपके दिया हुआ हो, पुरानी बुक अगर आपके पास है, किसी दूसरे बुक से आप पढ़ रहे हो, तो आपको वो एक्सरसाइज छोड़ देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें हमसे बोल रहा है कि ये जो ग्राफ है, इसमें y इक्वल टू पी एक्स गिवेन अपने को है इन फिगर 2.10 में, 1.0 में, फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड दी नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स इन ईच केस। यानी कि यहाँ पर अपने को जीरो फाइंड करना है पी एक्स में। पी एक्स का मतलब है कि जो एक्स एक्सिस में जितने भी जीरो बन रहे हैं ना, वो अपने को फाइंड करना है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, ये आपको भी आगे वाले एक्सरसाइज में पता चलेगा। जीरो का मतलब ये होता है, जैसे कोई भी अगर इक्वेशन लिखा हुआ है ना, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन में जो दिख रहा है, तो मैं इस इक्वेशन का एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूँ कि इसमें अगर मैं एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करूँ जिससे मेरा पूरा का पूरा जो आंसर है वो जीरो हो जाए, तो उस एक्स की वैल्यू को ही जो हमारा जो मैंने पर पुट किया था ना, उसको ही उस पॉलिनोमियल का जीरो कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन बना के देखता हूं, 2x माइनस में 6, ये अपने पास एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो एक्स का वैल्यू मैं क्या लिखूं कि मेरा पूरा जो इक्वेशन है वो जीरो हो जाए? तो एक्स की जगह पर अगर मैं 3 लिखता हूं, यहाँ पर अगर मैं इस जगह पर 3 लिखूंगा, तो 2 3 6 होगा और माइनस में 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 - 6 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉलिनोमियल के लिए, या कह लो इस इक्वेशन के लिए, जो जीरो है वो कितना है, वो 3 है। अगर मैं एक्स जगह पर 3 पुट करता हूँ तो आंसर जीरो आता है। तो इसी वैल्यू को ही अपन जीरो कहते हैं। फिलहाल जो हमारा 2.1 एक्सरसाइज है, ये मैंने छोटा सा वो बेसिक इंट्रो किया था। यहाँ पर 2.1 में अपने को ये देखना है कि जो पॉलिनोमियल है ना, जैसे ये इस तरीके से ग्राफ बनाया है, यहाँ पर हमारा ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है, तो ग्राफ जो बना है वो वाई एक्सिस में बना है। इसका मतलब ये वाई के लिए जीरो, एक्स के लिए इसमें एक भी जीरो नहीं है। अगर एक्स में ग्राफ बनता, ये एक्स एक्सिस को अगर हमारा जो लाइन है वो कट करता, तब जाकर के एक्स एक्सिस वाला हमारा जीरो कहलाता। तो इसमें जो पी एक्स की वैल्यू है ना, वो जीरो है, इसमें एक भी जीरो नहीं बनेगा एक्स एक्सिस में। दूसरे वाले में देखो कि एक्स एक्सिस में कहाँ पर कट कर रहा है, तो एक जगह यहाँ पर कट कर रहा है। इसका मतलब कि इस वाले इक्वेशन के लिए ये जो लाइन बना हुआ है ना, ये एक्चुअल में इक्वेशन का लाइन बना रहता है। तो इस इक्वेशन के लिए हमारा, इस पॉलिनोमियल के लिए जो जीरो होगा वो कितना होगा, एक्स एक्सिस में 1 होगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कहाँ कहाँ कट हो रहा है, तो एक तो ये वाई एक्सिस में कट हो रहा है, हमको वाई में देखना ही नहीं है, हमको केवल एक्स एक्सिस में ध्यान देना है। तो एक्स एक्सिस में एक यहाँ पे कट हो रहा है, एक यहाँ पे कट हो रहा है और एक यहाँ पे, तो 3 पॉइंट्स में एक्स एक्सिस में कट हो रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर जो जीरो होगा इस पॉलिनोमियल के लिए, वो 3 जीरो होंगे एक्स एक्सिस पर, ठीक है। उसके बाद अब ये फोर्थ वाले में आ जाते हैं, तो फोर्थ वाले में दो जगह पर कट हो रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो फोर्थ वाले का आंसर 2 हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। फिफ्थ वाले में हमारा यहाँ कट हो रहा है, यहाँ कट हो रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, टोटल 4 जगह पर एक्स एक्सिस में कट हो रहे हैं, तो फिफ्थ वाले का आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ 6 वाला थोड़ा कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको दिया हुआ है कि भैया ये ऐसे आया, चिपक करके ऐसे गया है, लेकिन इसको केवल 1 ही माना जाता है। अगर इस तरीके से ये ऊपर चला जाए बिना कट किए, यानी बिना नीचे आए, तो ये केवल 1 कहलाएगा। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि थोड़ा सा सटा हुआ लंबा सा है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारे 2 पॉइंट हो जाएंगे, 3 पॉइंट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो वो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो ये मेरा एक 1 पॉइंट है, एक ये 1 पॉइंट है, और यहाँ पर एक बार कट हो रहा है, तो 3 जगह एक्चुअल में ये कट हो रहा है, इसलिए इसके लिए पी एक्स जो वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में आसानी समझ में आ गया होगा। मैं आगे के जो एक्सरसाइजेस हैं उनका वीडियो भी जल्दी बनाऊंगा, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैं जो नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी, उन नोट्स का लिंक भी आपको नीचे टेलीग्राम का मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।